गाजीपुर में मुख्तार अंसारी के अंतिम संस्कार के दौरान उनके समर्थकों द्वारा कब्रिस्तान में प्रवेश करने के लिए बैरिकेडिंग तोड़ने से अफरा तफरी मची। गाजीपुर एसपी ओमवीर सिंह ने बताया, काफी लोग वापस लौट गए और बाकी लोग धीरे धीरे जा रहे हैं। जिन लोगों ने हुड़दंग करने का प्रयास किया उनकी वीडियोग्राफी कर ली गई है। ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाएगा जिनके द्वारा आचार संहिता का उल्लंघन करके किसी तरह की नारेबाजी की गई है, उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। गाजीपुर डीएम आरिका अखौरी ने बताया, जिन भी लोगों ने नारेबाजी की है उन सबकी वीडियोग्राफी कराई गई और सबके विरुद्ध कार्रवाई भी करवाई जाएगी। जिन्होंने नारेबाजी की है उन सबकी वीडियोग्राफी कराई गई है और सबके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे, क्योंकि हम बार बार अनाउंस भी कर रहे थे आदर्श आचार संहिता है तो उसके अनुरूप सबको आचरण रखना चाहिए। जिसने भी उल्लंघन किया है उसके विरुद्ध विधिक कार्रवाई होगी, उसके विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। जिन लोगों ने हुड़दंग करने का प्रयास किया है सभी की वीडियोग्राफी हुई है, ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाएगा। जिनके द्वारा आचार संहिता का उल्लंघन करके किसी तरह की नारेबाजी की गई है उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी, बाकी सब शांतिपूर्ण हो गया है। इस मामले पर डीआईजी ओम प्रकाश सिंह ने बताया कि चुनौती ये थी कि सभी लोग शांतिपूर्ण तरीके से अंतिम संस्कार में शामिल हो जाएं, जिसके लिए हमने आसपास के कस्बों में तैनाती कर दी थी। परिजनों से संपर्क रखते हुए धार्मिक रीति रिवाजों के साथ सुपुर्दे खाक की कार्रवाई को पूरा करवाया गया है। भीड़ को देखे, चूंकि ये काफी जो मोहल्ला है काफी डेंसली पॉपुलेटेड है, आप लोग जानते हैं प्रत्येक घर में 20 से 25 लोग हैं, कई कई फैमिलियां हैं, तो जब ऐसी कोई कहीं की मृत्यु होती है, इंतकाल होता है किसी का, तो लोग आते हैं, संवेदनाएं व्यक्त करते हैं। तो ग्रुप में लोग आए और जो अंतिम नमाज थी प्रिंस मैदान में, वहां पे लोग इकट्ठे हुए थे और वहां से जैसा कि परिजनों से वार्ता की गई थी, लगभग 50-60 लोग जो कब्रिस्तान था वहां पर जाने के लिए बात हुई थी, तो उतने ही लोग गए और सब लोगों ने उसमें शामिल किया। अब सुपुर्दे खाक के बाद मिट्टी उट्टी देने के लिए जो दो चार नियर एंड डियर्स उनके जो परिजन हैं जिनकी अनुमति घर वाले दे रहे हैं, वो अपना ग्रुप में आकर के मिट्टी की कार्रवाई कर रहे हैं और बाकी सभी लोगों का डिस्पर्सल का कार्य हो रहा है।